Welcome to IGM Guru. IGM Guru is one of the global leading online training and certification provider for IT expert by the skilled IT gurus to help them achieve their professional goals. I have the return table where all the customers IDs are there who have returned it. So now when I want to get multiple information which is not available into a single table.

Cleaning करने के और भी बहुत तरीके हमने फिलहाल छोटा सा clean किया है सो गेटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप इज यू आर ट्राइंग टू मेक अ रिलेशनशिप ना हाउ डू यू मेक रिलेशनशिप सो वी अ रिलेशनशिप सो जस्ट द नेम्स विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू So there are three ways to make a relationship. Now why we are making relationship? Because my customer wants me to provide him the total number of orders which are placed, total number of orders which has been uh, returned or maybe who is taking care of those return order. So eight table mein data nahi hai. relationship. Bana rahe. Now this process is called as data modeling. जिसको बोल रहे हैं। और वो डेटा के बीच में आप रिलेशनशिप बना रहे हो ओके सो यू केम कॉल कॉल दिस प्रोसेस डेटा मॉडलिंग और बी ऑल्सो कॉल दिस प्रोसेस इज मेकिंग रिलेशनशिप अल्टीमेटली वेन यू आर लाइक रेफरिंग संपर्न टू ये I want to refer you to my office. So, you and me are into a relationship, correct? Again, I am sending your resume to my uh, manager. My manager is in relationship in good contact with my HR. So, we are ultimately, what we are doing, we are helping the person to reach to the HR directly, rather going to the portal. I know sometimes I may get a call, I may not get a call. So, we are following this chain, concept chain, data modeling You are sending me resume, I am sending it to my manager, manager is sending it to HR. So, maybe you are a high

फॉलो कर सकते हो सो दिस इज हाउ द टेबल्स विल बी कनेक्टेड टू मेक द रिलेशनशिप एंड द वे आई सेड इन पॉवर बी हैव टू नेम्स टू दिस वन इज पावर पिवोट नेम और जो नाम आपको डायरेक्टली दिख रहा है उस शीट पे जो हमेशा दिखेगा उसका नाम है मॉडल व्यू मॉडल व्यू मीन डेटा मॉडलिंग जिसमें आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करने वाले हो ओके नाउ टू सेट अ रिलेशनशिप व्हाट डू यू नीड यू नीड अ कॉमन कॉलम अब आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करना है सो डेफिनेटली देर शुड बी अमिलरिटी कुछ कॉमन होना चाहिए सो जस्ट द वे आई नो लिटिल बिट ऑफ डेटा एनालिटिक्स थोड़ा बहुत पावर के पता है आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड सो हु इज द मीडिएटर बिटवीन यू एन बी यूर कंपनी करेक्टीएम गुरु फॉर मी सो आई एम देंटर यू आर द रिसीवर बट वॉट इज द लिंकिंग की बिटवीन यू एन बी कोई तो है ना जिसके थ्रू हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे है सो वी हैव जूम एज ए लिंकिंग की वी हैव योर कंपनी एज अ लिंकिंग की सो देर इज अ कॉमन पैटर्न विच यू ऑल्सो नो आई ऑल्सो नो तो सिमिलरली आपको बट वन टेबल अलोन के नॉट डूनोट फॉलो इन टू रिलेशनशिप तो आपके पास एक टेबल है तो आप नहीं बोल सकते रिलेशनशिप में नो इट है मोर टेबल टू कनेक्ट ठीक है नाउ नेक्स्ट टास्क इज़ पहले जाके ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट विथ द स्मॉलर टेबल दैट इज people so in people what do we have we have region and we have person so let us go and check do we have region and person under the returns okay so i'm writing it here what do we want to search we want to search region and person in the other two tables or other two tabs so go let's go and check returns may region क्या है रिटर्न और आई डी सो वी है ऑर्डर आई डी ही है आपके पास दिस इज ऑर्डर आई डी और आई डी वॉट एवर यू कॉल सो डू वी हैव रिटर्न और ऑर्डर आई डी अंडर दीपल टेबल नो यहाँ पे भी इन दोनों के रिल कोई कॉमन नहीं है सेम में भी नहीं है दैट वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये दोनों टेबल तो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अब चाहे यूजर्स को सपोज जानना भी है कि कौन से कस्टमर्स ने रिटर्न किया है और वो कस्टमर्स का कौन टेक केयर कर रहा है हु इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर फॉर दैट रीजन जिस जहां पे ऑर्डर रिटर्न हुए हैं सो इन दैट केसेज यू के नॉट मेक अ रिलेशनशिप तो आपको आंसर

okay so we have region here so what I'll do I'll just make a color code so that we can identify which table which tables which column is same. So we have region from orders and similarly if I go to my people again we have region from your people table. So this two can be connected but that is not the end header names this region will be connected to second region. So this region is coming from where from orders will tab. This region is coming from where? It is coming from the people tab. Okay. But this is not the case. If we have data under the region of orders as one, two, three. And if we have the data under the uh, people tab of region as E.

रिलेशनिप सेट से so like, से से तो होने ही वाला है

से ऑर्डर आईडी और रिटर्न के टैब में से आई डी सीडर क्या है इसका अल्फा न्यूमरिकल अल्फा बिट स्योर ओके इसका सीक्वेंस मैटर करता है दिस इज कैनेडा मे बी दिन विच द ऑर्डर वॉज प्लेस एंड द कस्टमर्स ऑर्डर आई डी Similarly, we are going to orders. This is USA. That's okay. data matter What matters is data type. So first level, you have the alphabetical US. Uh, then you have the year and then the order ID. So this is how we have nailed it down that your these tables will be connected in what way? So region of return, uh, region of orders will be connected to region of people. Okay, and after that, I'll just write it properly. And then your uh, orders make a second one. This is my orders and this is my returns. So here from my orders and returns, what is the column which we will be having as common to make a relationship? So here we have, uh, okay, we have order ID. So this is my order ID and here I have ID.

रीजन ऑफ पीपल एक्जैक्टली आपको यहीं पे ड्रॉप करना है अगर आपने पर्सन पे ड्रॉप किया तो भी वो लिंकिंग हो जाएगा सो वी हैव टू मेक हमने वो कॉलम को एग्जैक्टली exactly उसी कॉलम पे प्लेस किया And once you place it, see this is the linking key created. So power and diya tha. But since we are doing from the very start, developers have a relationship because we are learning the data also while doing. We don't want to go with Power BI, we'll make a relationship. Same thing. I know my order ID of orders is will be connected to the ID or order ID of returns. So this is how the relationship will be set okay and once you set the relationship this is how the table would look like the model would look like okay so now try doing it dragging and dropping and after you drag and drop just make sure you keep your pointer on this linking key इसको क्या बोलते हैं लिंकिंग की सो यू कीप योर द लिंकिंग की दोनों जगह एग्जैक्टली वो ही कॉलम होने चाहिए जिसका आपको रिलेशनशिप बनाना है सो जस्ट डू दिस क्रॉस चेकिंग कि आपने सही से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है या नहीं सो आफ्टर दिस यू हैव टू चेक द सेकेंड स्टेप कौन सा स्टेप यहाँ पे वन यहाँ पे स्टार ठीक है अगेन यहाँ पे वन यहाँ पे स्टार आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो मतलब ऑर्डर्स के पास में दोनों जगह पे स्टार है

For full course, please visit www.igmguru.com and enroll today.